नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। अक्सर हम अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन आज यही मोबाइल टेक्नोलॉजी बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। आपको बता दें कि इस लॉकडाउन में जहां सभी स्कूलें बंद हैं, वहीं सभी स्कूलों के द्वारा इसी मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस की सुविधाएं दी जा रही है। लेकिन इस ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया कैसे जाता है और इसके साथ ही बच्चों को असाइनमेंट कैसे दिए जाते हैं, इस पर विशेष जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्कॉलर्स अबोट स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो आपका बिहार न्यूज में स्वागत है और मैं चाहूंगी कि इस वक्त जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप उन्हें अपना परिचय दें। मेरा नाम राणा राहुल सिंह है, मैं स्कॉलर्स अबोट स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। सर, आपके यहाँ बच्चों को क्या कुछ सुविधाएं दी जा रही है इस लॉकडाउन में, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि जो है वो काफी लंबी हो चुकी है अब तक, और ऐसे में बच्चों की जो पढ़ाई है वो लगातार बाधित हो रही है, तो इसको लेकर आपके स्कूल की तरफ से बच्चों को क्या फैसिलिटीज दिए गए हैं? फैसिलिटीज की बात अगर हम करते हैं तो वो काफी लंबी चौड़ी है। अगर मैं स्टार्टिंग से गिनाना चाहूँ तो जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, हमारा कम से कम एग्जामिनेशन हो चुका था, रिजल्ट भी आ चुके थे, तो बच्चे नए क्लास में जा भी चुके थे, बट प्रॉब्लम आई थी बुक्स की। बुक्स किसी के पास अवेलेबल नहीं थे, कॉपीज किसी के पास अवेलेबल नहीं थी। तो हमने क्या डिसाइड किया कि सारे बच्चों का हमने क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया। सारे स्कूल के पास सारे बच्चों का मोबाइल नंबर है, तो हमने सब ग्रुप बनवा दिया। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हम बच्चों को टीचर्स के पास जो रेफरेंस बुक्स होते हैं उसका पीडीएफ स्कैन करके पेजेस वाइज बच्चों को भेजते रहे कि बच्चे उसमें पढ़ते रहे। तो इस तरीके से हमने पहला 3 दिन का स्टार्ट किया लॉकडाउन का। फिर हमने अपने स्कूल के ऐप में जो ई कंटेंट की जो प्रोविजन है उसमें हमने ये सारी चीजें स्टार्ट की भेजनी। ई बुक्स हो गए, स्कैन पेजेस हो गया, कुछ रेफरेंस बुक्स के पेजेस हो गए, और फिर टीचर्स के जो वीडियोस बनते थे यूट्यूब में, वो अपने वीडियोस बनाते थे लेक्चर देते हुए, तो बच्चों को पढ़ाते हुए कैसे पढ़ाते, बुक्स ऑफिस में कैसे पढ़ाते, वैसा अपना वीडियो बना के वो फिर अपने बच्चों को देते थे। तो ये दो टू वे कम्युनिकेशन होता था व्हाट्सएप के थ्रू पहले जी। दूसरे हफ्ते से हमने जूम क्लासेस स्टार्ट करी। जूम क्लासेस बिल्कुल लाइव क्लासेस है, जैसे हम लोग आपस में भी बात करते हैं वैसे यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं, वहां पे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, और इसी बीच में जो वो पढ़ाते हैं, जैसे क्लास में वो पढ़ा रहे हैं, 40 मिनट का लेक्चर हुआ, उसके बाद टीचर ने उनको होमवर्क वगैरह दे दिया, असाइनमेंट वगैरह दे दिया कि आज आप ये करेंगे, कल आप वो करेंगे, और ये कर क्या पाएंगे। ये चीजें अगर क्लास में ना भी देखा तो व्हाट्सएप पे वो भेज देते हैं। तो ये रही हमारी 2 दिन की प्रक्रिया जो 2 हफ्ते के बाद से चलती रही, पूरा कम्युनिकेशन इस तरीके से हमारा चलता रहा जी। शुरुआत में तो बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स आई होंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था जब छोटे छोटे बच्चे भी इस ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ रहे थे, तो ऐसे में बच्चों को कितने सारी प्रॉब्लमों को फेस करना पड़ता। और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अब तक तो सभी बच्चे इसके लिए यूज्ड टू हो गए होंगे। जी बिल्कुल, स्टार्टिंग में हमें एक्चुअली बहुत परेशानी हुई थी, हमें क्या हमसे ज्यादा तो हमारे बच्चों को परेशानी हुई थी। हमारे कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके पास शायद मोबाइल भी नहीं है, मतलब जो हमारा एंड्रॉइड मोबाइल होता है वो भी नहीं है उनके पास, फिर भी किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं से उन्होंने इंतजाम किया इसका, और चाहे अपने बगल वाले को हो या अपने पड़ोसी को। स्टार्टिंग में जैसे हमारे जो लेक्चर स्टार्ट हुए थे, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप ही बना था उसमें गिनती के 4-5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, फिर ऐसे धीरे धीरे करते 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 आज के डेट में क्लास में 90% से ऊपर अटेंडेंस रहता है जी। जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था तो उस वक्त हमारे टीचर्स के ऊपर काफी जिम्मेदारियां होती थी, लेकिन जब से ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं उसके बाद से एक तरह से कहे तो पेरेंट्स के ऊपर भी काफी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। जी अगर मुझसे पूछे तो पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेदारी पहले भी बनती थी, जैसे कि कई लोग थोड़ा सा नजरअंदाज कर देते थे। होता ये है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, अगर बच्चे घर में ना पढ़े तो उस पढ़ाई का महत्व थोड़ा सा घट जाता है। इसीलिए टीचर्स होमवर्क भी देते हैं कि आप जो स्कूल में पढ़े वो आप घर में जाएं और उससे रिवाइज करें, आप रिवाइज करते हैं तो पढ़ाई आपकी अच्छी होती है। ये चीज अगर
पहले भी गार्जियन समझ जाते तो बच्चे थोड़े से और ज्यादा इंटेलिजेंट होते। आज के डेट में क्या है कि आज के डेट में गार्जियन को ध्यान देना ही देना है, क्योंकि एक तरफ तो मोबाइल जहां वरदान अभी साबित हो रहा है वहीं पर वो कहीं ना कहीं निगेटिव भी है, तो हमें उस चीज का भी ध्यान देना है। गार्जियन ही इस चीज का ध्यान दे सकते हैं कि बच्चे मोबाइल में कर क्या रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन क्लासेस ही कर रहे हैं या फिर कहीं कुछ और कर रहे हैं। तो गार्जियन का तो बनता है, इतना तो बनता है। अच्छा, इसमें डिमेरिट भी तो कुछ होंगी, क्योंकि हर एक चीज का एक अच्छा पहलू होता है और एक बुरा पहलू भी होता है, तो उसके आधार पर अगर जानना चाहूं मैं कि इसके डिमेरिट्स क्या क्या हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस चीज के डिमेरिट्स में समझा नहीं। ऑनलाइन क्लासेस के, जैसे ऑनलाइन क्लासेस के डिमेरिट्स कुछ भी नहीं है। अगर आप हाँ जी, अगर काफी समय तक बच्चों को क्लासेस दिए जाते हैं तो वो लगातार स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, तो उनकी आंखों को वो समस्याएं आ सकती है उनकी आंखों के लिए। जी, तो इसी चीज के लिए हमने एक्चुअली पहले से हमने ये सारी चीजें सोच समझ के हमने ये चीज डिसाइड किया था कि हम किसी भी क्लास को हर दिन 3 लेक्चर से ज्यादा नहीं देंगे, जो कि थोड़े थोड़े गैप्स के ही होता है, 3 या मैक्सिमम 3 ही गया अभी तक, 4 कभी तक हम लोग गए नहीं है। जी, 3 लेक्चर हम लोग डेली देते हैं, 40 मिनट का ही लेक्चर होता है वो। जी, आपका जो पूरा शेड्यूल है, मैं आपसे वो जानना चाहूंगी कि एक सब्जेक्ट की पढ़ाई कितने से कितने बजे तक कराई जाती है और एक दिन में कितने सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। वही मैंने बताया अभी, एक दिन में हर क्लास को 3 से ज्यादा लेक्चर हम लोग नहीं देते हैं और वो 40 मिनट का ही लेक्चर होता है। मतलब जो उसका एक पीरियड का जो ड्यूरेशन होता है वो 40 मिनट्स का होता है। लेकिन इसी के साथ ही अगर हम बात करें तो स्कूलों में बच्चों के लिए और भी सुविधाएं होती है, और भी क्लासेस होते हैं, जैसे म्यूजिक के लिए, डांसिंग के लिए, तो इसके लिए क्या कुछ हो सकता है? बच्चों के पास इस वक्त तो ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है जिससे कि इस तरह के क्लासेस को वो ज्वाइन कर सके ऑनलाइन। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप हर टाइप का क्लासेस इस ऑनलाइन क्लासेस में हो सकता है। हमारे HRD मिनिस्ट्री के तरफ से जो फिट इंडिया मूवमेंट चला था, आपको ध्यान में होगा, फिट इंडिया मूवमेंट फेसबुक पे लाइव सेशंस दे रहा है और वो हम अपने बच्चों को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि वो भी उन सेशंस को फॉलो करें। उसमें गेम्स के, योगा सेशन, मेडिटेशन, ये सारी चीजें हैं। हमारे आर्ट्स के टीचर जो है पेंटिंग एंड स्केचिंग के, ये भी अपना कुछ ना कुछ जो टिप्स और स्टडी मटेरियल्स और ये सारी चीजें देते कि बच्चे घर में बैठ के पेंटिंग या स्केचिंग या ड्राइंग करना सीखें। रही बात संगीत की, तो हमारे टीचर इस चीज के लिए भी हैं जो बच्चों को, मतलब जिस भी तरीके से, जिस मुमकिन कोशिश से बच्चे उस चीज को सीख सके ऑनलाइन, वो उतनी कोशिश को पूरी करते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफ उसमें आती है, क्योंकि संगीत ऐसी चीज है जिसमें इंस्ट्रूमेंट आपके सामने होना जरूरी है, बट सबके पास होता नहीं है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत उसमें आता है। जी, कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो कि ये सोचते हैं कि उनके बच्चों पर इक्वली ध्यान जो है वो नहीं दिया जा पाता है इस ऑनलाइन क्लासेस के जरिए, तो आप उन पेरेंट्स को कैसे बताएंगे कि हर एक बच्चों पर एक टीचर ध्यान देते हैं और उसके बाद सभी का असेसमेंट भी किया जाता है? हाँ, तो इस चीज के लिए मैं आपको बता दूं, काफी दफ्तर सेहत के बाद हमने ऑनलाइन टेस्ट ही स्टार्ट किया है। ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप कई सारे टेस्ट आपने सुना होगा, चाहे वो MBI का हो या किसी चीज का हो, ये सारे टेस्ट हमने स्टार्ट किए हैं। ऑनलाइन टेस्ट है, टीचर्स ही क्वेश्चन सेट करते हैं और उसका एक URL बनता है जो वेब पे होता है, वेब बेस्ड है, बच्चे उसको URL को क्लिक करते हैं, उनके सामने टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और इसका रिजल्ट पब्लिश होता है। गार्जियन को भी पता चलता है कि हाँ क्या रिजल्ट है, बच्चा भी कितना पढ़ाई कर रहा है। और जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट है वो MCQ बेस्ड भी है और लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बेस्ड भी है। जी, तो आज का ये जो दौर है कोरोना वायरस को लेकर, इसको लेकर बच्चों में भी काफी भय का माहौल बना हुआ है, तो आप उनके स्ट्रेस को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? जी, हमने सबसे पहले जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ था उसमें हमने सबसे पहले बच्चों को मोटिवेट ही किया था और उनको यही समझाया था, उनको काउंसलिंग दी थी कि उनको क्या करना चाहिए। हम आए दिन सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, कहीं बाहर जाने की वैसी कोई जरूरत नहीं है। अगर बाहर जाना है तो आपके घर में आपके माता पिता हैं, आपके गार्जियन हैं, जो एक
बंदा बाहर जाए और कोई जरूरत का सामान हो तो बस वही लेकर आए, इससे ज्यादा बाहर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। बच्चों के साथ साथ ये हर एक हिंदुस्तानी को, या फिर ये कहे तो पूरे पूरे देश में, पूरे विश्व में, ये बात हर एक इंसान को पता होना चाहिए कि इस वक्त समय है घर पर रहने का, घर से बाहर नहीं निकलना है। और घर से बाहर वही लोग निकले जिन्हें काफी ज्यादा जरूरत है, और जो लोग बाहर निकल भी रहे हैं ये जरूरी है कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो राहुल जी, ये ऑनलाइन क्लासेस की जो शुरुआत हुई है ये क्या आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि ऐसी स्थिति आगे काफी दिनों तक चले? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये स्थिति अभी काफी दिन चलने वाली है। सकता है दुकानें खुल जाए, हो सकता है चीजें खुल जाए, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस जल्दी नहीं खुलने वाले। एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ एक क्लास में कम से कम 40 बच्चे होते हैं, 40 बच्चे में आप सोशल डिस्टेंसिंग कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत मुमकिन कोशिश की जा रही है कि हम इसको कैसे खोलें, कैसे क्या करें, ऑड इवन करें, क्लासेस की टाइमिंग चेंज रखें, ये करें। काफी लोग काफी दिमाग लगा रहे हैं इसमें, लेकिन एक क्लास में आखिर 40 बच्चे हैं कम से कम, तो उसमें सोशल डिस्टेंसिंग रख पाना बहुत मुश्किल है। उसके लिए मैं, मुझे नहीं लगता है कि इस जल्दी कुछ स्कूल खुलने वाली हो, तो जून जुलाई तक तो मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है। ये चीज आगे भी जारी रहेगा और मैं आरजीएम से यही अनुरोध करूंगा कि अगर आपके बच्चे इसमें नहीं जुड़े हैं तो प्लीज जुड़िए, स्कूल आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आप पढ़िए। राहुल जी, यहाँ पर समय है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। लगता है ओल्ड चंपारण मीट हाउस से मंगवाया है। जी नहीं, ये ओल्ड चंपारण मीट हाउस के BMH मसालों का कमाल है, ना ज्यादा मसालों की जरूरत और स्वाद ही बिल्कुल सही। ओल्ड चंपारण मीट हाउस अपोजिट तारामंडल विद्यापति बार पटना और जगदीवपथ वेदी रोड पटना। अपना घर हो, अपना जमीन हो, हकीकत में बदलते हैं हम, आपके विश्वास पर खरा उतरते हैं हम। हम गरीबों के सपनों को साकार करते हैं। अजय कौस्टिक एंड रियल एस्टेट, अलाउद्दीन जग, पुनपुन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट पारामेडिकल, BMLT, BRIT, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, BA, MA, मास्कॉम, फादर ऑफ कंप्यूटर एंड वोकेशनल एजुकेशन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट, फर्स्ट एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट सिंस 40 ईयर। IIBM फॉर BCA, BBA, MBA, BHM, होटल मैनेजमेंट, 40 ईयर्स ऑफ एक्सलेंस इन मैनेजमेंट एंड IT एजुकेशन। IIBM Patna, Dr. Zakir Hussain Institute of Hotel Management, Degree, Diploma in Hotel Management and Hospitality Management, Desh ka 5wa evam Bihar Jharkhand ka pehla Hotel Management Sansthan, Dr. Zakir Hussain Institute of Hotel Management, near Hartali Mor, Beni Road. Apna ghar ho, apna jameen ho, hakikat mein badalte hain hum, आपके विश्वास पर खरा उतरते हैं हम। हम गरीबों के सपनों को साकार करते हैं। अजय कौस्टिक एंड रियल एस्टेट, अलाउद्दीन जग, पुनपुन। किड्स जोन एंड एलिमेंट्री स्कूल, द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर चाइल्ड। व्हाई चूज अस, रन बाय एक्सपीरियंस्ड टीचर अंडर ग्रेट केयर। Separate and secured building with comfortable environment which is away from main road, safe for children. Facility of colorful toys through which children can learn while playing. Provision of a small playground which offers outdoor games. Special classes from January to March for students of nursery for preparing them to get admission in good schools. Trained caretaker and the staff to take special care of your child. Provision of dance and art classes for enhancing child's creativity. Regular excursion trip for adventure and exposure.
monthly cultural program to make children aware about their country's culture. Kids Zone, Raj Manikunj, Neeti Bagh Colony, Rukunpura Road, Patna, Jadav. Dusri Shakha ka pata hai, Vijay Vihar Colony. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ स्कॉलर्स अबाउट स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल राणा जुड़े हुए हैं। तो राहुल जी, मैं आपसे एक बार ये कहूंगी कि आपके यहाँ जो बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट जाता है, उसको थोड़ा आप इलेबोरेट करके बताएं कि किस तरह से ये बच्चों पर भी साबित होती है। जी बिल्कुल, काफी जद्दोजहद का, काफी उसको वर्कआउट करने के बाद हम लोगों ने अपना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने जब अपना MBA एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो मुझे जैसा क्वेश्चन आया सामने आया जब मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठा था, तो एक एक करके क्वेश्चन आ रहे थे, मुझे उसका आंसर देना था, उसे सबमिट करना था। बिल्कुल उसी पैटर्न पे, बिल्कुल उसी प्लेटफॉर्म पे हमने अपना ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। इसमें क्वेश्चंस जो है हमारे टीचर्स ही बनाते हैं। क्वेश्चंस जो है MCQ टाइप के भी होते हैं, वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन भी होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस भी होते हैं। तो ये चीजें आपको हर जगह नहीं मिलेगी, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे अपना सॉल्व करते हैं या आंसर देते हैं, एक क्वेश्चन एक पेज में एक ही बार आता है, तो जैसे सबमिट करेंगे वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। इसमें चीटिंग की संभावना भी नहीं रहती, क्योंकि क्वेश्चंस हैजार्ड आते हैं। मान लीजिए आपके पास अगर क्वेश्चन ए आया है, तो हो सकता है आपके बगल में बैठे बच्चे के पास क्वेश्चन बी आए, तो क्वेश्चन हैजार्ड होते हैं। इसमें एक साथ एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम होती है। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया। जो वन वर्ड और MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसका आंसर बच्चों को जैसे ही वो अपना पूरा टेस्ट खत्म कर देंगे वैसे ही उनको मिल जाएगा। जहां तक रही लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर्स की, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है जब तक टीचर उसको चेक ना करे। तो उनके टीचर खुद उसको चेक करते हैं और उसके बेसिस पर उसके मार्क्स देते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद जो रिजल्ट है उसको पब्लिश करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये पूरी प्रक्रिया ऐसी है जो मुझे काफी खुशी हो रही है इसको बताने में कि हमने इस चीज को काफी सक्सेसफुली अडॉप्ट किया है और इसे काफी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। जी बिल्कुल, ये आपकी एक बहुत ही सराहनीय पहल भी है। लेकिन इसी के साथ ही जो हमारे टीचर्स हैं, जो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनकी भी जो जिम्मेदारियां हैं वो स्कूल से कहीं ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इस वक्त में, ऐसे समय में आप टीचर्स को क्या कुछ कहेंगे? टीचर्स एक्चुअली, जैसे हम कोरोना वायरस में जब हम ये कर रहे थे, कोरोना वॉरियर की बात हम कर रहे थे, अभी कुछ दिन पहले से ये चीज चलता आ रहा है, डॉक्टर्स नर्सेस ये लोग कोरोना वॉरियर्स हैं। मुझे इसमें एक और वॉरियर को जोड़ना है, वो हमारे टीचर्स। हमारे टीचर्स के बहुत बड़े वॉरियर हैं इस कोरोना वायरस के संकट के घड़ी में, क्योंकि वो मतलब एक ऐसी अवस्थिति में है जहां पर उनको घर में बैठ के उनको भी ऐसे लाइव क्लासेस देना है, उनको भी सारी चीजें बनानी है, उनको क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है, उनको ऑनलाइन क्वेश्चन के लिए भी तैयारी करनी है, उनको रिजल्ट भी पब्लिश करना है, उनको चेकिंग भी करनी है, उनको सब चीज करना है। तो टीचर्स का काम भी उतना ही ज्यादा कठिन है जितना बाकी लोगों का है। जी बिल्कुल, वो भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल जी, आपने बिल्कुल यहाँ पर सही कहा है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो इस कोरोना वायरस में कोरोना योद्धा की तरह ही उभर कर अब सामने आ रहे हैं। क्योंकि जहाँ बच्चों की पढ़ाई पर ही हमारा पूरा देश डिपेंड करता है, जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उन बच्चों के लिए जो टीचर्स हैं वो काफी मेहनत कर रहे हैं, ऑनलाइन के जरिए अपना समय बच्चों को दे रहे हैं। जहां सभी लोग अपने घर पर आराम से छुट्टियां मना रहे हैं एक तरह से कहे तो कोरोना को लेकर, वही टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो है वो सिलेबस में पीछे ना रह जाए, वो अपने सिलेबस के साथ अप टू डेट रहे। तो इस दौरान जो टीचर्स काम कर रहे हैं ये काफी सराहनीय योग्य उनकी पहल है, और इसके साथ ही आपके स्कूल की भी। राहुल जी, मैं आपके साथ इस वक्त जुड़ी हुई हूँ, तो ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो समय है ये एडमिशन का समय है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते
चूंकि सभी स्कूलें बंद हैं, तो इसके लिए आपके स्कूल के तरफ से क्या कुछ फैसिलिटीज दिए गए हैं ताकि जो बच्चे अगर चाहते हैं आपके स्कूल में एडमिशन लेना तो उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटी दी गई है? क्या ऑनलाइन की वहां पर शुरुआत की गई है कि ऑनलाइन एडमिशन कोई भी ले सकता है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये फैसिलिटी तो हमारे पास बहुत पहले से ही है। आप घर में बैठ के ही अपना फॉर्म भर सकते हैं और भेज सकते हैं। हमारा ईआरपी जो है वो ऑनलाइन ईआरपी है, बैठे बैठे आपका एडमिशन हो सकता है। अगर फीस पेमेंट की बात हो या पैसे को ट्रांसफर करने की बात हो वो भी ऑनलाइन है, आप घर पे बैठ के भी इस चीज को आप कर सकते हैं। इसमें वही कहीं किसी कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आप घर पे बैठ के कर सकते हैं जी। और जहां तक रही बात इसकी, अभी काफी कुछ नए एडमिशंस आए हैं हमारे पास जो, और उसे भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे ऑनलाइन क्लासेस में उसको ऐड कर लिया गया है और वो लोग भी इस चीज का फायदा उठा रहे जी। राहुल जी, चलते चलते आप हमारे बच्चों के साथ ही टीचर्स को भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलते चलते बस एक ही बात बोलूंगा कि पढ़ाई करिए, नॉलेज बढ़ाइए सबका, क्योंकि जितना आप नॉलेज बढ़ाएंगे उतना नॉलेज बढ़ेगा जी। पढ़ाई बहुत जरूरी चीज है, बिना पढ़ाई कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए हम पूरी मेहनत करते हैं। टीचर्स आप बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम टीचर्स को मोटिवेट करते हैं कि आप बच्चों को और अच्छा पढ़ाइए, अच्छा प्लेटफॉर्म दीजिए, हम ऑनलाइन टेस्ट भी करा रहे हैं। ये सारी चीजें इसलिए करा रहे हैं कि जो फ्यूचर है हमारा, हमारे देश का जो फ्यूचर है वो पढ़े। कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया जी। बिल्कुल। तो राहुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे स्कॉलर्स अबाउट स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल राणा, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हमें ढेरों सारी जानकारियां दी। इस वक्त के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।